शुभ शगुन। सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। नव्या, तुम शायद भूल रही हो कि तुम शादीशुदा हो। शादी नहीं, गलती थी मेरी, वही सुधार रही हो। और तुम्हारे भाई से ना मन भर गया है मेरा। मैंने रियलाइज कर लिया है कि वो मेरे प्यार के लायक कभी था ही नहीं। वो मेरा आकाश है। युग का क्या? फिर तुम्हारी शादी का क्या? शादी कितनी बार बोलोगी? हाँ, डिवोर्स ले लूंगी ना। एंड आई विल मैरी यू। रियली? या तुम्हें क्या बोल रही हो? मैं जानती हूँ तुम इस वक्त गुस्सा हो, युग से नाराज हो। देखो, हर पति पत्नी के बीच में झगड़े होते रहते हैं, और ऐसे सबके सामने तमाशा करना सही नहीं है। देखो, तुम घर चलो, हम आराम से बैठ के बात करेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं तुमसे बात करूंगी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो तुम। मेरी पति की बहन ऐसे पब्लिक में अय्याशी करती हुई अच्छी नहीं लगती। मेरा मुझे लग अरे शगुन, कैसे छोड़ दूं? मेरी ननद ऐसे गलत काम करेगी, मैं चुप थोड़ी ना रहूंगी। नाना, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी ननद तुम्हारा पति बकवास मत कर, छोड़ इसे। छोड़ो उसे। तुम भूल गई, मैं अभी भी शुक की पहली पत्नी हूँ। पहली पत्नी? बकवास बंद करो, छोड़ो उसे, छोड़ो हाथ। मेरा छोड़ो, चुप। अरे छोड़ो उसे, एकदम चुप। चलो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। चलो मेरे साथ। लिसन, तुम इसे यहां से नहीं ले जा सकती। घर की बातों में बाहर भले ना बोले तो अच्छा है, पहले घर की बनो फिर बात करो। अभी के लिए नीचे हटो। बड़ा आया, चलो। नैना, कहां लेके जा रहा है? धन्य हो प्रभु, क्या मार्ग दिखाया आपने। क्या बात है, मुझे शुक की पहली पत्नी बना दिया और मुझे जेल से भी छुड़वा दिया। शुक 100 करोड़ देने के लिए मान भी गया है। अब आगे का भी मार्ग दिखा दीजिए। आगे का मार्ग थोड़ा सा पेचीदा है। शुक तो मान गया, मगर शकुन वो उसे इतने आसानी से पैसे नहीं देने देगी। मैं आपको इतनी आसानी से हार नहीं मानने दूंगी। चाहे जो भी हो जाए, मैं आपको किसी भी हालत में हारने नहीं दूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। आकाश, मैं जानता हूं तुम हो। बात करो मुझसे आकाश, बात करो मुझसे। तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, शादीशुदा लड़कियों को फंसाते हो, उनसे चक्कर चलाते हो, उससे बात करने में डर लग रही है क्या? बात करो आकाश, क्या हुआ? हाँ आकाश, क्या कर रहे हो तुम? युग, मैंने पूछा मेरे फोन के साथ क्या कर रहे हो तुम? किससे बात कर रहे थे? तुम्हारे नए आशिक से बात कर रहा था। हो गई बात? मेरा फोन वापस करो, मेरा फोन दो। फोन दिखाओ मेरा। कैसे तड़प रही हो ना अपने आशिक से बात करने के लिए? हाँ तड़प रही हूँ, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। प्यार? वो तो तुम मुझसे भी करती थी ना। प्यार नहीं, गलती थी मेरी। हर आकाश ना तुम्हारी तरह नहीं है, वो बहुत अच्छा है। तुम्हारी तरह नौकर नहीं है, तुम्हारी तरह
मिडिल क्लास नहीं है वो, वो मुझे रानी को तरस लगता है। और इतना बड़ा प्लान ऐसे तो चौपट होने नहीं दोगी। वैसे फूफा जी, आपका ये मोहरा इतना भी स्मार्ट नहीं था जितना आप समझ रहे थे। मुझे हम जानते हैं कि तुम नहीं जानती थी कि हम तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, फिर अब तुम दोनों का खेल खत्म हो चुका है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपके सामने गिरफ्तार कर लीजिए, इसे सब के सब मिले हुए हैं। इतने आसानी से नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर, छोड़ो मुझे। इतने आसानी से मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। छोड़ो मुझे। मैं आजाद था और हमेशा आजाद रहूंगा, पीछा करो। और तुम मुझे यहां से बाहर निकालोगे। सही सलामत। ये खेल खत्म नहीं हुआ है शबल, अब देखना तू ही आएगा मुझे जेल से बाहर निकालने। लेके जाओ इन्हें। हेलो, छोड़ो मुझे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सो लॉयर से बात हुई तुम्हारी? हाँ, भैया ने कहा है कि डिवोर्स पेपर जल्दी फाइल हो जाएंगे। और प्रॉपर्टी? देखो, 100 सेकंड में 100 करोड़ तो देने से रहे तुम्हारे भैया। अभी से बात करोगी तो न जाने डील कब तक फाइनल होगी। जस्ट इमेजिन, जो इंसान मुझे मारने के लिए गुंडे भेज सकता है वो कुछ भी कर सकता है। आई थिंक आई राइट, मुझे और वेट नहीं करना चाहिए, मैं भैया से बात करती हूँ। विजय जी, मछली जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है। समझिए, अपना काम हो गया। अभी आप बस घर आती होगी, अपने भाई से 100 करोड़ की डिमांड रख रहे हैं। थैंक यू। अब हम गद्दे पर नहीं गद्दी पर सोएंगे, नोटों की गड्डी पर। बढ़िया काम किया तुमने, वेल डन, बाय। आकाश बाबू, सही काम किया तुमने। आकाश, तुम्हारा गेम ओवर। ब्रजेश, फूफा जी और नैना का तो जेल का एक्सपीरियंस है ही है, अब तुम्हें भी बहुत जल्द हो जाएगा। चल,
चलो मान लेते हैं कि शुभ तुम्हारी बातों में आ जाएगा, पर नव्या क्या वो तुम्हारी बात मानेगी? प्यार जो करती है मुझसे। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। समझिए अपना काम हो गया। नव्या बस घर आती हो अपने भाई से 100 करोड़ की डिमांड रखने। ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता नव्या तुम्हारे साथ रहना चाहेगी।